दोस्तों नमस्कार। बेहद बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है, बताया है किसानों की हत्या का जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया है प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी। बोले हैं कार से किसानों को कुचलने की घटना बेहद ही खौफनाक, इसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने सीधे तौर पर योगी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशाने पर लेते हुए कहा है कि यह सब सरकार की नाकामी का ही नतीजा है। अगर सरकार सतर्क रही होती तो इस तरह की घटना न होती। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को गैर कानूनी तरीके से रखा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बिना किसी आदेश के कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। दोस्तों इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने लखीमपुर कांड पर कहा कि इस घटना की विस्तृत जांच होनी चाहिए, कार से किसानों को कुचलने की घटना बेहद ही खौफनाक है। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर कांड के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूपी की योगी सरकार को जिम्मेदार बताया है। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए